370 के बाद जरूर हमें उम्मीद थी कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। यहाँ पे SC भी है, ST भी है, जर्नल भी है। सर हमें लगता है ऐसा कि जब से 370 हटाया है, कम से कम मुलाजम पहले तो ठीक थे हम, तो जब से 370 हटा तब से हालात कुछ कश्मीर के कुछ ऐसे ही हैं। मैं जम्मू में हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीर है डॉक्टर अम्बेडकर की, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर की, और एक प्रदर्शन चल रहा है यहाँ। 370 के बाद किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया हो रही है और लोगों की हत्याएं हो रही है। जब से 370 हटा उसके बाद से SC ST OBC और हिंदू कर्मचारियों की हत्या हो रही है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो चपेट में है। यहाँ एक ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के लोग हैं, इनसे बात भी करेंगे, लेकिन पहले तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये तस्वीरें देखिए, ये मैं इस समय किनारे से, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और ये मीडिया जैसे बाकी जगह सवर्ण मीडिया है, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मीडिया है, तो वो इस तरह की खबरें आपको नहीं दिखाएगी, लेकिन मैं, मेरी नज़र पड़ी है। देखिए बाबा साहब की तस्वीर है, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर है, और ये तमाम लोग हैं, इनसे बात भी करेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए लगातार, इनको चूंकि मुसलमानों को SC ST OBC नहीं पता है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए और इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि पूरा मसला क्या है। तो देखिए नेशनल दस्तक को जानते भी हैं लोग, मैं जम्मू आया हूँ और यहाँ एक प्रोटेस्ट चल रहा था, मैंने सोचा आपसे दिखाऊँ किस तरह से जम्मू में, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे देश में रिजर्व कैटेगरी खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अत्याचार होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अलग मसला है। यहाँ हिंदू के नाम पर अत्याचार हो रहा है, और जब से 370 हटा है, खासकर जो जो नीचे का एरिया है जम्मू में तो ठीक है, लेकिन जब श्रीनगर आप जाएंगे तो वहाँ आइडेंटिटी किलिंग हो रही है, पहचान कर लोगों की हत्या हो रही है। सवाल दो है, कहाँ कहा गया था कि 370 से कश्मीर यूनाइट होगा, बाहर के लोग कश्मीर में आ सकेंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और श्रीनगर में ज़मीनें ले सकेंगे, घर बना सकेंगे, और नतीजा इसका सरकारी कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें तो वो SC ST के यहाँ रिजर्व कर्मचारी है, लेकिन यहाँ जो किलिंग्स हो रही है वो धर्म के नाम पर हो रही है। मुस्लिम्स और हिंदू के बीच कन्फ्लिक्ट तेज हो रहा है, लेकिन उसमें पीस रहे हैं शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी, शेड्यूल ट्राइब के कर्मचारी बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? शशि गौतम। शशि गौतम, तो क्या ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो जो कश्मीर में है वो मारे जा रहे हैं? सर कश्मीर में इसका टारगेट किलिंग हो रही है। हाँ। इसमें चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जम्मू का माइनॉरिटी हो या नॉन लोकल हो, सबके साथ जो है वो, मतलब श्रीनगर में किलिंग हो रही है जो लोग जम्मू से जा, वहाँ जम्मू के लोग जो काम कर रहे हैं। हाँ, जो वहाँ पे जो लोकल भी है ना, लोकल कश्मीरी भी मारा जा रहा है, नॉन लोकल भी मारा जा रहा है, मतलब जो टारगेट किलिंग जो है वो किसी भी इंसान को। क्यों क्यों ये सब क्यों हो रहा है? ये 370 के बाद ये स्थिति खराब हुई है? इससे पहले भी ये थी, लेकिन अब जो टारगेट किलिंग का दौर जो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले जो था अटैक होते थे, लड़ाई होती थी, मिलिटेंसी थी, लेकिन मिलिटेंसी ने एक थोड़ा सा सिस्टम जो अपना बदल दिया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कहाँ कह रहे थे 370 हटने के बाद चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी? देखिए बेहतर की बात मैं ये कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमने 15 साल कश्मीर में लगाए हैं और हम जितना नज़दीक से कश्मीर में को शायद हम लोगों ने देखा है उतना किसी ने नहीं देखा है। 370 के बाद ज़रूर हमें उम्मीद थी कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है जो ये टारगेट किलिंग का सिलसिला ये बोल रहे हैं, वहाँ पर जो हिंदू माइनॉरिटी है कश्मीर में, ख़ासतौर पर जो गोबिंद एम्प्लॉयज़ हैं, जो कश्मीरी पंडित है, 1990 के बाद अधिकांश जो कश्मीरी पंडित फैमिलीज थी वो आकर जम्मू पहले बैठ गई हैं। फिर 2006 में सबसे पहले हम एम्प्लॉयज थे जो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे SC भी है, ST भी है, जर्नल भी है, एक बिल्कुल मैं कहूँगा डोगरा एम्प्लॉयज जो जम्मू के रहने वाले थे और कश्मीर में अपॉइंटमेंट होगी उनकी 2006 में, उनको वहाँ भेजा तो शायद उस वक्त पहले हिंदू हम थे जो कश्मीर में गए। फिर 2006 से लेकर 2018-19 तक चलता रहा सिलसिला। 2019 के बाद 370 जाने के बाद जब ये UT बनी, केंद्र शासित प्रदेश बना,
तो इसमें हमें लगा कि शायद कोई बदलाव आएगा, और बदलाव के बाद हमें भी उम्मीद थी कि शायद हम कर्मचारियों को भी एक राहत मिलेगी और एक कैडर सिस्टम को बदला को भी यहाँ आएंगे। लेकिन अब मसला ये बन गया है आज की स्थिति में वहाँ पर, यह है कि आपको टारगेट किया जाता है आपको आपका नाम पूछ के। मैं समझ गया, अगर मैं विपिन कुमार हूँ तो मुझे टारगेट किया जा सकता है। मतलब धर्म देख रहे हैं वो। मैं इसको बोलता हूँ जिस जो मारने वाला है उसका कोई धर्म नहीं है, मैं ये भी कह देता हूँ। अरे बहुत आप बहुत ज्यादा क्लासिकल बात कर रहे हैं ना, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, नाम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन एंटी मुस्लिम है। सच्चाई आपके सामने ये है, ये एक थ्रेट लेटर है जो कल निकला है, जो पूर्ण कृष्ण भट्ट। मुझे बताइए 370 हटने के बाद, 370 हटने से पहले क्या स्थिति थी? मुझे लगता है ज्यादा बेहतर थी या ज्यादा खराब थी? मुझे लगता है जहाँ तक 370 के पहले की स्थिति थी हम कर्मचारियों के लिए वो बेहतर थी ठीक है। और 370 जाने के बाद शेड्यूल कास्ट से कितने कर्मचारी होंगे? सारे हम वही हैं। अच्छा, शेड्यूल कास्ट नहीं है सर, यहाँ पर सिर्फ शेड्यूल कास्ट नहीं है, यहाँ पर जितनी शेड्यूल ट्राइब भी हैं, शेड्यूल ट्राइब ALC के भी हैं, OBC के भी हैं, जनरल वाले भी हैं। वहाँ जो किलिंग टारगेट किलिंग हो रही है वो बाकायदा नाम देखकर अगर वो गैर मुस्लिम है तो उसको टारगेट कर रहे हैं। सर देखिए, गैर मुस्लिम भी मैं कहूंगी, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि जो वहाँ के कुछ मुस्लिम उनकी भी किलिंग हुई है जो जम्मू के हैं। नहीं नहीं नहीं, जो वहाँ के रहने वाले थे लेकिन वो पुलिस कर्मचारी थे, उनकी किलिंग वहाँ पर हुई है जो कि मुस्लिम थे। नहीं, मुझे सरकारी कर्मचारियों के बारे में बताइए जो नौकरी कर रहे हैं वहाँ। वो जो नौकरी कर रहे हैं सर, हम रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम हैं, हमारे बीच में हर कैटेगरी के मुलाजिम यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम हमारे बीच में जर्नल वाले भी हैं, और हम वहाँ पर पिछले 16 साल से ड्यूटी कर रहे हैं घाटी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट। अभी हालात में क्या हुआ कि आप लोग को धरना, मतलब अभी ताज़ा क्या ऐसा क्या हो गया कि आप लोग धरने? सर हम धरने पे आज नहीं बैठे हैं, हमें आज 138 दिन हो गए धरना प्रदर्शन। मतलब 370 हटने के बाद उन लोगों को लग रहा है कि बाहरी लोग घुस रहे हैं, उनको रोकना है। सर हमें लगता है ऐसा कि जब से 370 हटाया, कम से कम मुलाजम पहले तो ठीक थे हम, तो जब से 370 हटा तब से हालात कुछ कश्मीर के कुछ ऐसे ही हैं, तो हम 2019 से लेके आज तक हम वहाँ से भागते ही आ रहे हैं। आपस की लड़ाइयाँ और गहरी हो गई है, आपस में लड़ाइयाँ, मतलब कश्मीर और जम्मू की लड़ाई जो है वो तेज हो गई है। सर नहीं, ये नहीं हम कह सकते जम्मू और कश्मीर की जो लड़ाई है आपस में तेज हो, क्योंकि आज भी जम्मू कश्मीर में वही भाईचारा है जो पहले था, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सारा हिंदुस्तान जानता है कि कौन से वो ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है आपने। तो पाकिस्तानी मदद से हो रहा है सर? देखिए, ये सिक्योरिटी एजेंसीज को पता है कि किसकी मदद से हो रहा है, किसकी मदद से नहीं हो रहा है, लेकिन जो हम जो धरने में बैठे हैं हमारा एक ही प्रश्न है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि हमारी सिक्योरिटी को उठाना, अगर आप हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ओवरऑल आप लोग गवर्नर के खिलाफ, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? जी सर, हम यही कह रहे हैं, क्योंकि हम अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो हम अपनी सरकार को ही, डिमांड तो हमारी सरकार से ही होगी ना, बाकी ये चीज जो टारगेट हो रहा है, टारगेट किलिंग का जो लोग शिकार हो रहे हैं ये हमें नहीं पता, ये सरकार का काम है पता करना इन चीज का, ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, लेकिन हम तो लगता था कि सरकार जब से लेफ्टिनेंट 370 हटा है और अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने पूरा कश्मीर जम्मू कश्मीर सील कर दिया था, तो अब तो सुरक्षा और अच्छी हो गई है। सुरक्षा सर पहले भी वहाँ चप्पे चप्पे पर आर्मी या बेल्ट फोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा, इसके बावजूद भी हर हफ्ते कोई ना कोई उस किलिंग का शिकार हो रहा है, टारगेट किलिंग का शिकार हो रहा है। जो पहले टेरर किलिंग होते थे अब टारगेट किलिंग हो रहा है, टारगेट किलिंग हो रहा है। जैसे कल की ही न्यूज़ है कि एक कश्मीरी पंडित भाई है जिनका नाम है पूरन भट्ट जी, उनकी वहाँ पर किलिंग हुई है, तो ऐसे हालात बने हुए। एम्प्लॉय थे? और नहीं, वो एम्प्लॉय नहीं थे, वो वहाँ के रहने वाले थे, सिविलियन थे, लेकिन वो कश्मीरी पंडित थे। तो मुझे ये समझाइए मैम आपसे, ये जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, इनको निशाना पर कब से लिया गया कि जो वो श्रीनगर के जो कर्मचारी हैं उनको भी निशाना लिया जा रहा है, या जो श्रीनगर के बाहर के कर्मचारी हैं उनको मारा जा रहा है? सर मिनोरिटीज को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, और ये एक साल से सिलसिला जारी है, और एक साल से लेके आज तक ये वहाँ चल रहा है, बहुत सारी किलिंग्स हुई है, जैसे हमारी शहीद रजनी बाला, आप देख सकते हो पीछे इनका, ये हमने बड़ा सा फोटो लगाया हुआ है, तो ये हमारी जो बहन थी ये रिजर्व कैटेगरी की थी, तो ये वहाँ पर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर में वहाँ पर ये टीचर थी, एज ए टीचर काम कर रही थी, और स्कूल के अंदर जाकर इसको मारा गया, तो तब से लेकर हम आज तक इस धरने पे बैठे हुए। कोई 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 कुछ कहते तो होंगे, कोई वजह तो बताते होंगे? सर थ्रेट लेटर आ रहे हैं ना, थ्रेट लेटर पे सारी वजह है, अगर वजह होती ना। टुडे आवर कैडर कैरिड आउट एन ऑपरेशन ऑफ चौधरी गुंडा एरिया ऑफ सोफिया। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़े स्पष्ट रूप से। सबसे पहले बात है कि कौन ये करवा रहा है,
क्या इसके पीछे षड्यंत्र है वो हमसे बेहतर, चूँकि हम सिविल एम्प्लाई हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ज़्यादा जानती हैं। जहाँ तक हम सिविल एम्प्लाईज़ हैं, हमारे अंदर इतना डर, दहशत और वो बोलते हैं ना फिर साइकोसिस। तो आप किसको, आप किस सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं? बिल्कुल, हम सरकार से प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारी दो डिमांडें, मैं मुख्य चाह हमारी दो डिमांडें हैं। एक ये डिमांड है कि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। जब तक सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होती है, ट्रांसफर कर दिया जाए जम्मू। जब तक सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होती है, तब तक हम लोगों को जम्मू संभाग में कहीं भी हमारी सर्विसेज को लिया जा सकता है। हम सरकारी कर्मचारी जम्मू। मुझे एक सवाल बताइए ना, चूँकि मुझे नहीं जानकारी है कि ये 370 हटने के बाद चीज़ें और ख़राब हुई हैं। देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, 370 हटने के बाद जो है, जो कर्मचारी वर्ग है, जो जम्मू के रहने वाले हम कर्मचारी हो, जो कश्मीर में काम करें, इनके ऊपर टारगेट किलिंग जो है वो शुरू हुई है। 370 से पहले ऐसा नहीं था, ये स्पष्ट है। एक साल से ये सिलसिला 7 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ, जब हमारी एक टीचर मैडम प्रिंसिपल थी सुपिंदर कौर, और उनके साथ एक हमारे टीचर थे जो जम्मू के, उनका नाम दीपक चंद मेहरा है, उनकी हत्या हुई। उसके बाद ये जो सिलसिला है ये रुक नहीं रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, दीपक चंद की, सुपिंदर कौर, विजय कुमार, ये राहुल भट्ट, रजनी बाला, विवेक, दो एक हफ्ता पहले ही जब यहाँ देश के गृह मंत्री आए तो बारामूला में हमारे ये एक ग्रामीण बैंक के मैनेजर हैं, उन वो विवेक कुमार उनका नाम है, उन पे एक वो वहाँ पे अटैक हुआ, वो बच गए। तो मैं आपको लबलुआ बता दे रहा हूँ, कहाँ हम लोग सपना देख रहे थे, देश के बाहर के हिस्सों को बताया गया था संसद में, गृह मंत्री ने बताया था कि अब 370 हट रहा है, आप जाके जम्मू कश्मीर में प्लॉट खरीदिए, घर बनाइए, व्यापार कीजिए। और हालात ये हो गए हैं कि जम्मू कश्मीर तीन टुकड़ों में इसको बांट दिया है, लद्दाख अलग कर दिया है, जम्मू अलग कर दिया है, कश्मीर अलग कर दिया है, यूनियन टेरिटरी कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि अब आइडेंटिटी किलिंग हो रही है और जम्मू के लोग कश्मीर में सुरक्षित नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि पॉलिटिकल खेल में किस तरह से यहाँ के लोगों को तकलीफें उठानी पड़ रही। और फिलहाल जम्मू कश्मीर में कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये भी अमित शाह के हाथ में ही है। अमित शाह गृह मंत्री हैं और यहाँ यूनियन टेरेटरी है, तीनों जगह गवर्नर रूल है। इसके लिए अमित शाह को ही जिम्मेदारी लेनी होगी और लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मसला जो है वो अमित शाह के हिस्से में है। लेकिन ये बात मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि यहाँ ज़्यादातर रिजर्व कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं जम्मू के, वो काम कर रहे हैं और उनको हिंदू समझ के मारा जा रहा है। तो मतलब फैसला कुछ और हुआ देश भर में, चूँकि एंटी मुस्लिम वेव पैदा करना था, एक सेकेंड रुक जाइए, देश भर में एंटी मुस्लिम वेव पैदा करना था, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना था तमाम राज्यों में, जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरे देशों में, और उसका नतीजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और आपसी भाईचारा भी खत्म हो रहा है और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भी तेज़ हो रही है और आइडेंटिटी जो पहचान कर जो है वो श्रीनगर में हत्याएं हो रही है और उसमें सबसे ज़्यादा मार जो है वो सरकारी कर्मचारी पर पड़ रहा है और वो बदकिस्मती से शेड्यूल कास्ट के लोग उसमें, शेड्यूल ट्राइब और जनरल के लोग भी ज़्यादा शामिल है। तो कहाँ 370 हटा रहे थे जम्मू कश्मीर को बेहतर करने के लिए, हालात और ख़राब हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को, अमित शाह को, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, केंद्र की सरकार है और केंद्र के हिस्से में गवर्नर आते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जम्मू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।